सभी भाइयों को राम राम। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। आज फिर हाजिर है एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है माल्टा में आप कैसे मूव हो सकते हैं अपने लगेज के साथ में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी भाई मेरे यूट्यूब चैनल पर नया है, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो बेल का बटन आपको दिखाई दे रहा है उस पर ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी मेरी नई वीडियो है उसका अपडेट आपको मिले। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसे ही आप माल्टा में आते हो, काफ़ी लोग हैं जो एयरपोर्ट से ही मतलब अपना टिकट बुक करते हैं और वहीं से ही आप दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो जाते हैं या फिर मूव हो जाते हैं, या फिर आप ट्रैवल करते हैं घूमने के लिए, घूमने के पर्पज़ से या फिर कुछ और रीज़न से। वो मैं रीज़न आपको क्लियर नहीं कर सकता इस वीडियो में, ठीक है। बट सभी का अपना एक मोटिव होता है कि उनको माल्टा में आने के बाद किसी दूसरी कंट्री में घूमने के मकसद से जाना है या फिर किसी और मकसद से जाना है, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूँ डिटेल में आपके साथ कि आप माल्टा में आते हुए और उसके बाद आप कितने टाइम बाद मूव हो सकते हैं, अगर आपने मूव होना है या फिर आपने ट्रैवल करना है किसी भी कंट्री में, शेंजन की किसी भी कंट्री में, ओके। क्योंकि शेंजन की 27 कंट्री है अभी, ठीक है, टोटल 27 कंट्रीज है। 27 में से आपका एक वीज़ा लगा हुआ है एक कंट्री का, रेस्ट ऑफ 26 कंट्रीज में आप विजिट कर सकते हैं एनी टाइम, ओके। उसमें कोई भी आपको रेस्ट्रिकेशंस नहीं है। अगर आप यहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा में आ रहे हैं फिर तो आप लाजिम है कि आप दूसरी कंट्री में आप विजिट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे आ रहे हैं तो उसमें भी आप ट्रैवल कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। बट अगर आप आईडी ले करके अगर ट्रैवल करो तो आप बिल्कुल एकदम सेफ ट्रैवल करोगे, आपको कोई पूछने वाला नहीं है उस टाइम पे। अगर आप सपोज़ अगर आप माल्टा में आए हो और डायरेक्ट एयरपोर्ट से आप जा रहे हो, इन केस बीच में अगर आपको किसी ने पूछताछ कर ली या फिर आपका लगेज देख के, क्योंकि जब आप अपनी कंट्री से आते हो, चाहे आप इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, कहीं से भी अगर आप ट्रैवल कर रहे हो माल्टा के अंदर, ठीक है, तो आप काफ़ी सारे लगेज, दो तीन लगेज के साथ तो नॉर्मली बंदा आता ही है, ठीक है, अपने सामान वगैरह लेके। तो उसके बाद अगर आप एयरपोर्ट से ही मूव हो रहे हो किसी दूसरी कंट्री में तो वो थोड़ा रिस्की है, तो ये रिस्क आप मत उठाएं कभी भी, ठीक है। दो चार दिन आप माल्टा में स्टे करें, किसी होटल में स्टे करें, ठीक है। अगर आपके पास कहीं रूम नहीं है, कोई फ्रेंड या फिर कोई रिलेटिव नहीं है, ठीक है, उस केस में आप होटल बुक करो, ठीक है। बहुत सारी साइट्स है, आप ऑनलाइन गूगल पे जा करके होटल अपना रिजर्व करो, ठीक है। होटल में आपको 20 यूरो से स्टार्ट है, आपका 15 यूरो से भी स्टार्ट है छोटे से छोटा होटल, ठीक है। आपको एक दिन का स्टे मिल जाएगा 20 से 25 यूरो में। उसके बाद अगर आपको खाना पीना करना है तो आपका खाना पीना आउटसाइड आप जाके कर सकते हो। होटल में अगर आप खाओगे तो आपको थोड़ा वो चीज़ महंगा पड़ेगा, ठीक है। तो 5-4 दिन आप माल्टा में रुको, जैसे आप किसी भी वीज़ा में आ रहे हो, ठीक है, मैं कोई एक पर्टिकुलर वीज़ा की बात नहीं कर रहा, आप किसी भी वीज़ा में आ रहे हो, 2-4 दिन 5-4 दिन आप माल्टा में रुको, ठीक है। माल्टा में रुकने के बाद थोड़ा इधर उधर घूमो, ठीक है। उसके बाद आप अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है माल्टा, ठीक है, तो अगर आप मूव होना चाहते हो कहीं दूसरी जगह में, आपके कोई रिलेटिव्स है या फिर कोई फ्रेंड्स है आपकी दूसरी किसी कंट्री में, वो आपको वहाँ पर बुला रहा है, तो आप जा सकते हो माल्टा एयरपोर्ट से। कोई भी वहाँ पे इमिग्रेशन नहीं होगी आपकी, कुछ भी उसमें प्रॉब्लम नहीं है, आप जा सकते हो सेम वीज़ा पे, ठीक है। उसके लिए थोड़ा सा मतलब आपको पेशेंस रखना पड़ता है, आपके जो लगेज होते हैं उसको सेटल करना पड़ता है, तो वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपको वो चीज़ें आपको सेटल करो, उसके बाद आप यहाँ से जो है वो खाली हाथ जाओ, ठीक है। अगर आप यहाँ से आईडी लेके जाते हो तो वो बिल्कुल ही सेफ़ है, क्योंकि अगर आप दूसरी कंट्री में भी जाते हो, जैसे पोर्चुगल को छोड़ दो, ठीक है, वहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर जा रहे हो लाइक स्पेन जाते हो या फिर किसी इटली में जाते हो या दूसरी किसी और कंट्री में जाते हो, तो वहाँ पे क्या है कि पुलिस वहाँ पे बहुत पकड़ती है। स्पेन में तो खैर बहुत ज़्यादा चेकिंग होती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, आपको पता भी है, बहुत सारे डोंकी से भी आते हैं स्पेन में, तो ठीक है। तो वो चीज़ें वहाँ पे वो थोड़ी सख्ती है कि वहाँ पे आप लगेज वगैरह के साथ घूम रहे हो, भटक रहे हो इधर से उधर, तो उस चीज़ में आप पकड़े जा सकते हो। फिर आपको वो पूछेंगे आपके यहाँ पे कैसे आए हो, आपका वीज़ा चेक किया जाएगा, आपका वीज़ा माल्टा का है, वो पूछेंगे आप यहाँ पर क्यों आए हो, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं उस टाइम पर। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आप
पहले माल्टा में स्टे करें, महीने के अंदर यहाँ पे कार्ड आ जाता है, महीना भी नहीं लगता है। अगर आपकी डॉक्यूमेंट सब रेडी है तो 15 से 20 दिन में आपका कार्ड आपके हाथ में आ जाता है, ठीक है। अब जैसे आप अप्लाई करते हो, अभी जो कार्ड का सिचुएशन है, अभी कार्ड पहले तो अभी पिछले ईयर में मतलब 2022 के नवंबर दिसंबर में कार्ड 3 से 4 दिन में 5 दिन में आ रहा था, ठीक है। अब भी थोड़ा सा लेट हो गया है, 15 से 20 दिन अभी लग रहे हैं कार्ड आने में, ठीक है। बाकी डिपेंड करता है आपके एम्प्लॉयर पे, आपका कंपनी कैसा है, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें भी मैटर करती है। लाइक मेरा एक फ्रेंड है, तो उसका अभी तक मतलब कार्ड अप्लाई नहीं हुआ है, अप्लाई कर दिया, ब्लू पेपर ले लिया है, बट उसका जो कार्ड है वो उसको मार्च के बाद मिलेगा। पता नहीं उसके एम्प्लॉयर ने क्या किया है उसमें, क्या नहीं किया है, ठीक है। तो मतलब बहुत सारे केसेस है जो मतलब ऐसे है कि मतलब 3-3 महीने के लिए से कार्ड नहीं आ रहा है, या फिर उनको उनका कलेक्शन लेटर नहीं मिल रहा है, ठीक है। कलेक्शन लेटर नहीं मिलेगा तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करके मेरे को मैसेज करो, अगर आपको नीड है उस केस में। जैसे आपको कलेक्शन लेटर नहीं मिला तो आप मेरे को बता सकते हो, तो मैं उस चीज़ में आपको आपका आईडी है जो वो आपको दिलवा सकता हूँ, ठीक है। तो चलो पॉइंट पे आते हैं। तो उसके बाद आप अपना कार्ड ले लो यहाँ से, ठीक है, माल्टा से। जैसे आप एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे हो, कार्ड लेने के बाद आप क्या करो, अपना जो लगेज है, जितना भी लगेज है आपका, ठीक है, यहाँ पे माल्टा पोस्ट है, ठीक है, माल्टा पोस्ट, जैसे हमारे पे इंडियन पोस्ट है, तो यहाँ पे आप माल्टा पोस्ट है, माल्टा पोस्ट में आप जाओ, किसी भी ब्रांच में जाओ उनकी, ठीक है। आप लगेज को पूरा कवर कर दो, पैक कर दो लगेज को, ठीक है। पैक करने के बाद उसके ऊपर अपना नाम लिखो, ठीक है, फ्रॉम टू पूरा लिखो उस पर, किसको भेज रही हो और किससे जा रहा है, ठीक है। दोनों अलग अलग एड्रेस आएंगे उसमें, ठीक है, जहाँ भी आप जा रहे हो, लाइक पोर्चुगल में आप भेज रहे हो तो पोर्चुगल का एड्रेस डालो, ठीक है। उस बंदे का नाम लिखो, उसका प्रॉपर एड्रेस, पिन कोड और उसका जो मोबाइल नंबर है वो उस पर लिखो। नीचे दूसरी स्लिप में आप अपना पूरा एड्रेस लिखो, मोबाइल नंबर तक लिखो उसमें, ठीक है। बाकी जब आप माल्टा पोस्ट में जाते हैं तो वो आपको वहाँ पे क्वेश्चन करते हैं कुछ, ठीक है, जो मैंने आज अपनी आंखों से लाइव देखा है वहाँ पे, कि एक वहाँ पे लगेज भेज रहा था, तो वो मेरे ही फ्रंट में था, ठीक है, मेरे से आगे था लाइन में, तो उसका मैंने पूरा देखा है, पूरी अपनी लाइव आंखों से, कितना उसका चार्ज पड़ा, कि क्या क्या उससे क्वेश्चन हुए। तो गाइज इसलिए मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, ताकि जो भी भाई यहाँ से मूव होते हैं वो सेफली मूव हो सकें, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है सिचुएशन क्या है और कैसा होता है उस टाइम पे। तो जैसे उस माल्टा पोस्ट में क्वेश्चन किया था उससे कि आप ये लगेज किसको भेज रहे हैं, तो इसका आप सीधा बोलो कि वहाँ पे मेरा फ्रेंड है, तो ये लगेज उसको भेजा जा रहा है, ठीक है, वो यहाँ पे विजिट करने आया था माल्टा में, तो उसका कुछ पुराना सामान है, लाइक कुछ क्लोथ है और कुछ और खाने पीने का आइटम्स है, तो वो मैं पुराना सामान उसको वहाँ पे भेजना है, तो ये उसका है, ये मत बोलो कि ये आपका है, ठीक है, क्योंकि अगर आप बोलोगे कि हाँ ये मेरा है, तो मतलब आप अपना सामान पोर्चुगल में क्यों भेज रहे हो, या फिर स्पेन में क्यों भेज रहे हो, या फिर किसी दूसरी कंट्री में क्यों भेज रहे हो, तो पूछा जा सकता है ये, ठीक है, या फिर आपका लगेज ओपन भी करवाया जा सकता है। यहाँ पे वैसे ओपन नहीं होता लगेज, ठीक है, जैसे दुबई में हो गया या फिर इंडिया में हो गया, तो वहाँ पे मतलब पूरा सामान को काउंट करते हैं कि हाँ आपके लगेज के अंदर क्या क्या आइटम्स है, वो लिखते हैं एक पेज पे, लिस्ट बनाते हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है जो मैंने अपनी आंखों से देखा, ठीक है। उसके लगेज पूरा बंद था, तो उन्होंने उसका लगेज ओपन नहीं किया, उससे जस्ट ये पूछा कि लगेज के अंदर क्या है, तो उसने बोला कि पुरानी क्लॉथ है मेरे लगेज के अंदर, ठीक है, तो इतना बोला जस्ट। तो फिर उन्होंने ये पूछा कि उसको क्यों भेज रहे हो, तो सिंपल सा है कि उसका सामान है ये, वो यहाँ पे विजिट पे आया था, तो वो अपने साथ कैरी करके नहीं ले जा सका उस टाइम पे, क्योंकि वो जल्दी में था तो यहीं पे छोड़ के गया था, तो अभी उसको इन चीज़ों की नीड है, तो मैं ये उसको भेज रहा हूँ, ठीक है, तो आप ये उसको आंसर दे सकते हो। और जो इसका चार्ज पड़ता है वो आपको पर केजी के हिसाब से चार्ज पड़ता है, ठीक है, पर केजी का हिसाब यहाँ पे कितने यूरो पड़ता है मैं वो आपको बता रहा हूँ। इसका जो मैंने उस भाई का देखा है, ठीक है, ज्यूरिख में, ज्यूरिख के अंदर उसको जो पड़ा है उसको चार्ज माल्टा पोस्ट के जरिए 5.5
पर केजी पड़ा है उसको यूरो, ठीक है 5.5 यूरो पड़ा है उसको पर केजी के हिसाब से। तो उसका 20 केजी समथिंग था और 100 आप उसका जो चार्ज पड़ा है वो उसको पड़ा है 100 यूरो, ठीक है। बाकी अगर आपको फ्लाइट में उसको इंक्लूड मिल रहा है अगर आपको लगेज तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर इंक्लूड उसमें नहीं मिल रहा है तो आप बाय पोस्ट भी भेज सकते हो, ठीक है। बाय पोस्ट आपका सेफ है, ठीक है, सेफ जाएगा, बट अगर आप फ्लाइट में अगर आप अपने साथ लेके जाने की कोशिश करोगे तो वो थोड़ा रिस्की हो सकता है, रिस्की है नहीं है बट हो सकता है, इनकेस कोई पूछ ले लगेज कहाँ लेके जा रहे हो, मतलब आप कहाँ काम करते हो, मतलब कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हैं एयरपोर्ट पे, ठीक है। बट इमिग्रेशन नहीं होती तो आपको लोकल फ्लाइट से ही फ्लाई करना होता है, तो इसलिए वहाँ पे ज़्यादा मतलब सत्याई नहीं होती, कुछ क्वेश्चन नहीं होते। कई भाइयों से हुए भी है जिनको डिपोर्ट भी किया है, जो डायरेक्ट एयरपोर्ट पे आए, ठीक है, एयरपोर्ट से वो डायरेक्ट फ्लाइट पकड़ने के लिए किसी दूसरी कंट्री में जा रहे थे, उनको वहाँ पे पकड़ लिया और फिर उसके बाद उसको उनको डिपोर्ट कर दिया, तो ये होता है। बट अगर आप आईडी के साथ में हैं यहाँ पे लीगल बैठे हुए हैं आप यहाँ पे, तो आपको प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप अगर जाते हो किसी भी कंट्री में तो आप अपने जस्ट एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म करके रखो कि हम अभी 2 दिन की वैकेशन पे जा रहा हूँ, मैं मेरे को अपने फ्रेंड से मिलना है या फिर भाई से मिलना है या फिर किसी रिलेटिव से मिलना है, बोल करके आप जाओ। इन केस अगर कोई भी ऑफिसर या फिर कोई पुलिस वाला या फिर कोई भी मतलब अगर कॉल करता है आपके एम्प्लॉयर को, तो आपका एम्प्लॉयर बोल सके कि हाँ ठीक है, वो मेरे को इन्फॉर्म करके रखा है उसने कि वो वैकेशन पे जा रहा है 2 दिन के लिए, लीव पे जा रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ में आप सेफ बच सकते हो, बट अगर आप बता के नहीं जाते हो तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है कि लाइक अगर आपके उसको एम्प्लॉयर को नहीं पता है और उसके उसने कॉल रिसीव किया कि आप एयरपोर्ट पे हो और ऐसे करके आप लगेज के साथ में जा रहे हो, तो मतलब इस चीज़ में आप फंस सकते हो थोड़ा। तो आप मेक श्योर कि आप थोड़ा एक्टिव रहें इन चीज़ों में जब आप जाओगे, ठीक है। ज़्यादातर आप अगर आपको फ्लाइट पकड़नी है तो आप इवनिंग की पकड़ो, रात की पकड़ो, ठीक है, क्योंकि रात में ज़्यादा भीड़ भी नहीं रहती और वैसे भी आपको पता है कि रात की शिफ्ट में कैसा रहता है, आप इजीली आराम से वहाँ पे पहुँच जाओगे रात में। अगर आप दूसरी कंट्री में रीच हो रहे हो तो वहाँ पे भी डायरेक्ट ऐसे निकल जाओगे, इतना प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जैसे मतलब आप एंटर होते हो उसी टाइम पे थोड़ा सा मतलब स्टिकनेस है, ठीक है, आपसे बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, एम्प्लॉयर को कॉल करते हैं, ये वो बहुत चीज़ें होती है। बट अगर आप यहाँ से पे पहुँच जाते हो उसके बाद आप यहाँ से मूव हो रहे हो तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट अगर आप जब दूसरी कंट्री में जाते हो तो वहाँ पे आप जाने से पहले आपको क्या किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जाने से पहले आप इन बातों का ध्यान रखें कि आपके पास वहाँ पे रहने के लिए जगह हो, ठीक है, आपके पास फ्लाइट टिकट हो, ठीक है। आप वापिस आओगे उसका फ्लाइट टिकट अगर आप एडवांस में करके जा रहे हो तो अच्छी बात है, बहुत ही ठीक है। अगर आपको कोई पूछता है तो आप बता सकते हो कि मैं ट्रैवल करने आया हूँ, ठीक है। बट अगर आप जा रहे हो तो आपके पास होटल बुकिंग होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप स्टे कहाँ पे करोगे, ठीक है, स्टे का बहुत मसला रहता है। अगर आपके पास कोई फ्रेंड है, कोई रिलेटिव है तो आप वहाँ पे जा सकते हो, उसका एड्रेस आप लिख के रखें पहले, क्योंकि काफ़ी चांसेस होते हैं कि मोबाइल आपका बैटरी लो हो जाए या फिर आपके किसी रिलेटिव को कॉल ना लगे, आपके कॉल में आपके फ़ोन में बैलेंस ना हो, मतलब बहुत सारे इशू ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में आप उनका एड्रेस जो है वो आप एक उस पर लिख के रखें कागज़ पे, ठीक है। आप अपने मोबाइल पे हमेशा डिपेंड मत रहें, क्योंकि बहुत बार हो सकता है कि आपका मोबाइल मिस हो गया या फिर कुछ भी मिस हैपन हो सकता है। लाइक मेरी एक फ्रेंड थी स्पेन में, ठीक है, उसका मोबाइल जो है वो ट्रेन से किसी ने निकाल लिया, तो उसके बाद उसके पास किसी के भी नंबर नहीं थे, उसकी कुछ भी आईडी नहीं चल रही थी 15-20 दिन से। तो ये चीज़ें मतलब हो जाती है, आपके पास कुछ भी कॉन्टैक्ट नंबर नहीं रहते बाद में। तो ये मेन पॉइंट थे जो आपको मतलब नोट करने चाहिए, ठीक है। आप अपने एम्प्लॉयर का मोबाइल नंबर, उसकी ईमेल, उसका एड्रेस, अपने हाउस का एड्रेस, ठीक है, अपने फ्रेंड का एड्रेस, ये सब चीज़ें आप अपने उसमें लिख के रखें, एक डायरी में या फिर आप एक पेपर पे लिख के रखें, ताकि अगर आपको किसी को दिखाना भी पड़े तो आप डायरेक्ट दिखा दो, या फिर आप टैक्सी वाले को अगर टैक्सी बुक करते हो तो वहाँ पर दिखा सके कि हाँ ये मेरा एड्रेस है, मेरे को यहाँ पर जाना है। मोबाइल पर हमेशा नहीं मतलब ज़्यादा विश्वास करें, ठीक है।
अगर आप अपने साथ पावर बैंक रख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आपको पावर बैंक रखना चाहिए, क्योंकि जब आप ट्रैवल करते हो तो मोबाइल कभी भी आपका डेड हो सकता है। तो ठीक है गाइस, आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी, और जो भी भाई नया है चैनल पे, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।